गोमिया प्रखंड अंतर्गत ससबेड़ा पंचायत निवासी स्वर्गीय चंद्रनाथ यादव का इकलौता पुत्र पिट्स मॉडर्न स्कूल का छात्र अभिषेक कुमार उर्फ पिंटू का शव स्वांग गोविंदपुर फेज टू के समीप स्थित डाला पुल में मंगलवार को फंसा मिला। उक्त पुल में शव के फंसे होने की सूचना मिलते ही उसके सगे संबंधी एवं ग्रामीण शव को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बता दें कि उक्त युवक रविवार को ससबेड़ा के समीप से बहने वाली कोनार नदी में नहाने के क्रम में पानी की तेज बहाव के चपेट में आकर डूब गया। इसकी खोजबीन में दर्जनों गोताखोरों को लगाया गया, लेकिन काफी खोजबीन करने के बाद भी उक्त युवक का पता नहीं चला। अंततः मंगलवार की अहले सुबह नदी किनारे शौच के लिए गए कुछ लोगों ने शव को देखा और इसकी सूचना उसके सगे संबंधियों को दिया, इसके साथ ही स्थानीय थाना को दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी आशीष खाका, IAL थाना प्रभारी यमुना चौधरी उक्त स्थल पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर अंत परीक्षण के लिए अनुमंडलीय अस्पताल तेनुघाट भेज दिया। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सह प्रभारी अंचल अधिकारी कपिल कुमार ने कहा कि नदी में डूबकर मृत्यु होना आपदा प्रबंधन के तहत आता है, उसके तहत उसके परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा मिलेगा। ये जो लड़का को परसों बह गया था उसका डेड बॉडी अभी मिला, 2 दिन रेस्क्यू हम लोग किए लेकिन नहीं मिल पाया था, आज स्वयं निकल गया। और इसका प्राकृतिक नदी में डूबने से प्राकृतिक आपदा के श्रेणी में वो आता है, तो उसमें प्रावधान है 4 लाख रुपए देने का, तो जो इनके परिवार को मिलेगा। मामला यही है कि 31 तारीख को एक बच्चा जो था पिंटू नाम करके पिंटू यादव, वो स्नान करने के लिए गया था, स्नान के क्रम में ही पानी में डूब गया नदी में, और काफ़ी खोजबीन करने के बाद आज जो है 0.CCL लोहा पुल के पास मिला है, वो लाश को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़ रेलवे गेट नंबर 1 धनबाद, मोबाइल नंबर 7004067